हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इरेजर कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इरेजर इस्तेमाल किया जाता है टेबल में किसी लाइन को मिटाने में, यानी कि बॉर्डर को मिटाने में। ठीक है, अभी जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये ब्लैंक टेबल क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमें इरेजर से किसी लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को मिटारना है, तो उसके लिए हमें जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब में। ये देखिए, ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है यहाँ पर, देखिए ऑल बॉर्डर के बगल में ये ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ देखिए ये है इरेज बॉर्डर का ऑप्शन। वीडियो अब स्किप मत करिएगा क्योंकि इरेज करना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, अभी बताता हूँ। इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इरेज बॉर्डर पर हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं एक रबर जैसा साइन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए क्या करना है। अब मान लीजिए कि मुझे ये लाइन क्लिक करनी, सॉरी ये लाइन मिटारनी है, वैसे इस सेल की लेफ्ट साइड वाली लाइन मिटारनी है, तो मुझे एक सिंपल क्लिक करना है। डबल क्लिक मत करिएगा, अगर डबल क्लिक करेंगे तो इरेजर गायब हो जाएगा। बस इस पर एक सिंपल ऐसे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि लाइन मिटर गई। जहां जहां भी आपको मिटारना, मान लीजिए ये लाइन मिटारनी तो यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, जहां भी आप क्लिक करते जाएंगे सिंगल क्लिक। ठीक है, अब मान लीजिए कि पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक मिटारनी है तो क्या करना है, आपको ड्रैग करना है। ठीक है, बस यहाँ पकड़िए और नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो आप देखिए यहाँ की पूरी लाइन मिटर गई। ठीक है, डबल क्लिक मत करिएगा, डबल क्लिक करते ही ये देखिए इरेजर गायब हो गया। ठीक है।